हैं पुंछ की ओर। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, शाहपुर के बाद अब पुंछ में तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तानी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पाक सेना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के दो बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस गोलीबारी में देर रात को गांव शाहपुर ए में रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद शौकत के पुत्र मोहम्मद हुसैन, जो कि सेना में पोर्टार का काम करते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तानी गोलीबारी में वो घायल हुए, जिसके बाद पड़ोसी लोगों ने सेना की सहायता से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर बनी हुई है। गोलीबारी में घायल शोक के अनुसार वो सेना में काम करने के बाद घर लौट रहे थे और जैसे ही घर के करीब पहुंचे तो एक गोला उनके कुछ दूरी पर जाकर फट गया और वो घायल हो गए। वहीं घायल को लेकर अस्पताल में ग्रामीणों के अनुसार पाकिस्तान लगातार उनके गांव को निशाना बना रहा है और भारी गोलीबारी कर रहा है। साथ ही रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया है कि करीब 2100 बार यहां पर पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में छोटे हथियारों से गोलीबारी की है और मोर्टार से गोले दाग कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है।